नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से बोगनविला फ्लावर के साथ। तो देखिए खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फुल सनलाइट में भी, और हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है फ्रेंड, और फिर भी बोगनविला में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और छोटे से प्लांट में भी लगा है। और इधर ये मेरा चंपा में देखिए, और इतना टेम्परेचर आज हाई था कि देखिए फ्लावर की जो ये पंखुड़ियाँ हैं वो भी बर्न हो गई हैं थोड़ा थोड़ा। और इधर आलमंडा में देखिए पूरा फूल नहीं खिल पा रहा है। हाँ लेकिन इधर ओलियंडर में बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं मेरे। और फ्रेंड देखिए मेरा देसी रोज़ है पिंक वाला, जिसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और हाइब्रिड फूलों में भी देखिए, ये हाइब्रिड वाले रोज़ हैं, इसमें देखिए बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। कलर थोड़ा ठीक है, कितने ढेरों सारी ब्रांचेस आई हैं। ये एक बेसल सूट्स है, और देखिए इस पर भी तो बेसल सूट्स इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे जो रोज़ प्लांट हैं। लेकिन थोड़ा इनको सेव करना पड़ेगा, लेकिन मेरे छत पे कोई शेड नहीं है, कोई ग्रीन नेट नहीं है, और इस तरह से बहुत बर्न हो जाता है। फिर भी पानी इतना डालती हूँ कि शाम तक मॉइस्चर बना रहता है। और ये जो मेरा कटिंग से रेडी था येलो रोज़ का, तो देखिए ढेरों कलियाँ भी आ रही हैं और फूल भी खिल रहा है, बस साइज़ थोड़ा छोटा है, और इस समय प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। फ्रेंड आज मैं अपने जो मेरा वेजिटेबल प्लांट है, जो मेरा करेला का पौधा है, उस पर मैं कुछ फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, तो मैं उसी पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत मेरे फ्लावर भी देख लीजिए कि क्या क्या फ्लावरिंग हो रही है। और इधर देखिए हमेलिया बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो ये मेरा करेला का पेड़ है, जो देखिए मैं एक टब में लगा रखी हूँ, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है, और इसमें करेला भी आ रहा है फ्रेंड देखिए, मतलब ये छोटे छोटे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। और इस समय इसको थोड़ा पोषक तत्वों की भी ज़रूरत है, तो मैं आज इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है, तो उस हिसाब से हमें अपने प्लांट पे फर्टिलाइज़र भी डालते रहना चाहिए, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। और देखिए इसके अंदर भी करेले लगे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं नन्हे नन्हे, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इनकी अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे फ्रूटिंग हो, इसके लिए हमें अपने प्लांट को अच्छा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो फ्रेंड ये इसमें मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रखी हूँ, और इसमें क्या बना रखी हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हम दाल धोते हैं, चावल धोते हैं, सब्जियाँ धोते हैं, तो उनका जो पानी होता है वो इकट्ठा कर रखी हूँ। तो पानी भी हमें वही लेना है, जैसे हम चावल धोते हैं तो जो पहला पानी होता है तो उसी को हमें लेना है, और सब्जी भी धोते हैं तो जो हम पहला पानी धोते हैं वही पहला पानी लेना है, और उसे अपने प्लांट में डालेंगे, और सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। और देखिए ढेरों फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी अच्छी आ रही है। अगर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फ्रूटिंग बहुत बढ़िया होती है, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ, ताकि बहुत अच्छा मेरे प्लांट पे सब्जी लगेगी। और इस खाद को डालने के लिए इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही डाल देना है। उससे पहले आप गुड़ाई कर लीजिए, देखिए मैं कर चुकी हूँ, और हमें अपने सभी वेजिटेबल प्लांट में गुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो आप अपने प्लांट के हिसाब से फर्टिलाइज़र ऐड करिए। और इसमें चावल का पानी होता है वो भी बहुत अच्छे, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। और जो दाल का पानी होता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, और जो हमारे वेजिटेबल का पानी होता है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इससे हमारे प्लांट की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, और उस पर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। और इसमें बहुत सारे करेले लग रहे हैं एक साथ, और आप देख सकते हैं कि मैं पूरा अपना जो गार्डनिंग करती हूँ वो सब मैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक करती हूँ, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। और देखिए कहाँ कहाँ फ्रूटिंग हो रही है, जो दिख भी नहीं रही है जल्दी, इसमें नीचे बहुत सारे इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र देते रहिए, और लिक्विड फॉर्म में दीजिए, कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि
वो गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं, आपके प्लांट को जला सकते हैं। इसीलिए हो सके तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए और फिर देखिए बहुत अच्छे फ्रूटिंग होगी। फर्स्ट टाइम मैं वेजिटेबल ग्रो करी हूँ लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो देखकर अच्छा लग रहा है। और इधर ये देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है, बैगन के जो मैंने प्लांट लगाए थे और बहुत अच्छे चल रहे हैं सब। तो इस पर देखें कब तक फ्रूटिंग होती है। और मिर्ची पर भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। इसमें आप प्याज के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर जो आपके पास कंडे होते हैं ना, जो ओपले होते हैं, उन्हें भी भिगो कर रख दीजिए तो उसको भी आप दीजिए। एलोवेरा का दे सकते हैं, सब ठंडे फर्टिलाइज़र होते हैं, तो ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए तो आपका वेजिटेबल प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से मेरा पूरा गार्डन पूरा ओपन है, कोई भी शेड वगैरह नहीं है फ्रेंड। और फिर भी देखिए इतनी तेज़ धूप में मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और मिट्टी मैंने इसमें और डाली हूँ क्योंकि थोड़ी कम मिट्टी थी तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डाली हूँ। तो मॉइस्चर ज़रूर मेंटेन करके रखिए, बहुत तेज़ धूप है तो सुबह शाम ज़रूर पानी डालिए। और नीम ऑयल का आप स्प्रे ज़रूर करते रहिए क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।